to understand from her, is she ashamed as a mother? Is she ashamed as a woman that she does not speak up for the women and children of this country? Miss Smriti Irani, every time she's quiet, Hathras chup ho jati hai, Patwa chup ho jati hai, Unawa chup ho jati hai. Abhi Bangalore mein Ram Rahim ko bail milte hai, chup ho jati hai. Abhi Bangalore mein ek ladki ko death of her, you know, her body was found, chup ho jati hai. जब बलात्कार होते हैं इस देश में चुप हो जाती है, लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है सो शी कम्स। कि कल जो सवाल उनसे पूछे गए थे कि क्या सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर के दाम जो 1100 पहुंच गए हैं वो कम होंगे या नहीं, हाँ या ना, स्मृति ईरानी जवाब दो, कोई जवाब नहीं दिया। क्या बंद हुई सब्सिडियां खातों में वापस डाली जाएंगी या नहीं, स्मृति ईरानी जवाब दो। बिना जवाब दिए खोखले भाषण देकर, एक तरफा बात कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू ब्रिंग अप द वुमन एंड चाइल्ड अफेयर्स मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी। एवरी टाइम शी इज क्वाइट, हाथरस चुप हो जाती है। ये महिला का सुरक्षा, इवन दैट कम्स अंडर द यूथ, हाथरस में चुप हो जाती है, कटवा चुप हो जाती है, उनावा चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में जब राम रहीम को बेल मिलते हैं चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में एक लड़की को, शी वॉज फाउंड इन अ ड्रम, डेथ ऑफ हर, यू नो, हर बॉडी वाज फाउंड, चुप हो जाती है। जब बलात्कार होते हैं इस देश में चुप हो जाती है, लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है सो शी कम्स आउट एंड स्टार्ट्स शाउटिंग। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर, इज शी अशेम्ड एज अ मदर, इज शी अशेम्ड एज अ वुमन दैट शी डज नॉट स्पीक अप फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। एज अ वाइफ, अ मदर, वेयर इज स्मृति ईरानी टुडे? व्हाई इज शी क्वाइट व्हेन देयर आर रेप्स इन दिस कंट्री? Where is this lady? That is the most important thing. And jab bhi Rahul Gandhi, only she goes out there to support Narendra Modi ji when it comes to Rahul Gandhi ji. So we want the woman and child development minister to better step down and go home and sit, because that is a better job for her. Main Akhil Bharat Trinamool Congress ki or se abhar vyakt karti hu ki der aaye par durust aaye. Mehngai ek bahut ahem mudda hai jo aaj ke janta par Bharatvarsh mein har janta ka aur hum sabhi ko बहुत चिंतित होके रखा है, क्योंकि महंगाई इस जगह पर आए हैं, ये सरकार कोई कदम भी नहीं उठाया महंगाई पर चर्चा करने के लिए, इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। मैं तो सहमत थी, मंत्री महोदय यहां है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है, जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा? सरकार को सोचना चाहिए। ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं, ये बंद कीजिए। ईंधन का, एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए, क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गया, बस भूल गया आम जनता को, कहां है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी, बात करती थी, आज यहाँ है नहीं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, टैक्स लगा है, एक तो बात है
है कि पेट्रोल या डीजल, इसके ऊपर भाव इसका बढ़ने से सब पर असर आता है, सब चीजों का भाव बढ़ जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिमेंड एट 7 विच इज अबव द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉलरेंस लेवल ऑफ 6 विद द जीएसटी स्लैब प्राइस ऑफ एवरीडे एसेंशियल। यू नो लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री दे टेक मुड़ी एंड चीरा, मुड़मुड़ा कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, दही कहते हैं, पैकेज फूड तो भी सही, पैकेज फूड गरीब लोग उतना नहीं लेते हैं, लेकिन मुड़ा मुड़मुड़ा जिसको कहते हैं, चूड़ा जिसको कहते हैं, और हॉस्पिटल बेड्स, मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल टूडे स्टैंड्स एट एन एवरेज ऑफ 180 पर लीटर इन दिस ईयर, whereas in 2014 it was only 105. बोल रहे थे आप यूपीए के टाइम में, मैं याद करना चाहती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं है, लीडर थी यहाँ सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था 2004 में कि हम जब छोड़ के गए थे पेट्रोल का लीटर था 35 रुपया और चंद महीनों में यूपीए आके उसको 66 रुपया बना दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा 110 के बराबर है, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। तीन बार पेट्रोल चेंज कर दो। अभी महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। चर्चा यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा, सभी बात रखने की अवसर सभी को मिलेगा, सब ठीक ठाक बात करके। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी, अब एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए कि वो भी जी सके। नमस्ते। कहाँ खो गई है स्मृति रानी, कहाँ खो गई है स्मृति रानी, कि आओ तुमको सिलेंडर पुकारे। कहाँ खो गई है स्मृति रानी, कि आओ तुमको सिलेंडर पुकारे। सिलेंडर पुकारे मैडम सिलेंडर के द्वारे, सिलेंडर पुकारे मैडम संसद के द्वारे। बड़ा रो रहा है सबके कोने में घर के, बड़ा रो रहा है सबके कोने में घर के। यूं ही सर जाएगा कोई न लाएगा भर के, चूल्हा पकाए व्यंजन सारे, चूल्हा पकाए व्यंजन सारे, कि आओ तुमको सिलेंडर पुकारे।